हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री ट्रिक्स। अब तक तो मैंने जो पार्ट पढ़ाया आपको वो रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड था, 11th स्टैंडर्ड के बेस था और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से वो 9th और 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले वो है थर्मोडायनेमिक्स। सीबीएसई बोर्ड में वो 11th स्टैंडर्ड में प्रेजेंट है, स्टेट बोर्ड में ये 12th स्टैंडर्ड में प्रेजेंट है ना। ठीक है, थोड़ा वो स्टार्ट करते थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर्स में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंट है, डेफिनेशंस आते हैं नॉर्मली, जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होती है, स्टेट्स कौन से होते हैं हमारे, स्टेट फंक्शन कौन से, फंक्शंस कौन से, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन ईच एंड एवरी पार्ट ना। बिफोर दैट, अगर आपको मेरे वीडियोज और जो अभी तक मैंने जो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे वो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ना। फर्स्ट वन सब्सक्राइब करो उसको। और अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको डाउट्स भी हो गए ना, या फिर कुछ पार्ट के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए उससे रिलेटेड, वो भी आप बता सकते हो मुझे। कमेंट बॉक्स में जस्ट कमेंट कर लो तो मुझे समझ में आएगा कि आपको किसके ऊपर डाउट है, उससे रिलेटेड मैं इजीली आपको क्या टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर सकती हूँ ना। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, सो फर्स्ट वन, व्हाट इज इन बाय सिस्टम एंड व्हाट इज इन बाय सराउंडिंग। व्हाट इज इन बाय फर्स्ट वन, सिस्टम। सिस्टम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। फर्स्ट वन डेफिनेशन देखते, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर विच वी आर गोइंग टू थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेट नाउ। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर विच थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, सिस्टम। अब ये क्या है, कुछ अलग बोला मैंने, है ना। तो ये क्या है, देखो, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्स अंडर थर्मो डायनेमिक इन्वेस्टिगेशन, ओके, इट्स कॉल्ड एज व्हाट हियर, सिस्टम। अब ये क्या है पार्ट, इसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम, सिस्टम जो दिखाई देती है वो पार्ट होता है फर्स्ट वन सिस्टम। रिमेंबर द पार्ट, जो आपको इजिली दिख रहा है वो पार्ट क्या होता है हमारा, सिस्टम का होता है। रिमेनिंग कौन सा कंसेप्ट होता है, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होगा, इसके अपोजिट जाओ, मतलब क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज व्हाट हियर, दैट इज सराउंडिंग। नाउ क्या है ये कंसेप्ट, इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिया है आज। ये बीकर है, नाउ दिस इज अ ग्लास, नाउ इट्स नॉट अ बीकर। तो इस ग्लास में मैंने क्या किया, ऑरेंज कलर का या फिर येलो कलर का कुछ लिक्विड ऐड किया। तो जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, इनसाइड दिस ग्लास देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट हियर, वाटर, जो कि ऑरेंज कलर है। तो इसका आप इजीली स्टडी कर सकते हो, किसका स्टडी कर सकते हो, इनसाइड दैट वाटर लॉ, समझ में, ग्लास का भी कर सकते हो। बट जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारी वाटर की लेवल है, इसके ऊपर का जो पार्ट होगा दैट पार्ट इज पार्ट ऑफ व्हाट हियर, सराउंडिंग। ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट हियर, सराउंडिंग। सो सिस्टम का मतलब क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर विच थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब जिसका आप इजिली स्टडी कर सकते हो, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट हियर, सिस्टम। रिमेनिंग जो पार्ट होगा इट्स कॉल्ड एज व्हाट, सराउंडिंग। समझ में, व्हाट इज इन बाय सिस्टम एंड व्हाट इज इन बाय सराउंडिंग। इसको अगर आप इसी पैटर्न में लोगे, बीकर है, बीकर में मैंने अभी येलो कलर का वाटर लिया था और ग्लास है इसमें मैं वाटर लिया था, तो जो वाटर है वो पार्ट कौन सा होगा हमारा, सिस्टम। ये वाटर की लेवल है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट या फिर उसके आउटसाइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके आउटसाइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ दिस पार्ट इट्स कॉल्ड एज व्हाट हियर, सराउंडिंग। अंडरस्टूड, what is meant by system and what is meant by surrounding। okay, thank you।